नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी के सामने एक बार फिर वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों पर बात करने को उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करते हैं राजू बिस्टा। जी हां, पूरे हिंदुस्तान में या यूं कहे पूरी दुनिया में गोरखाली समाज यदि किसी नाम को गूगल में या अन्य माध्यमों में सबसे ज्यादा सर्च कर रहा है तो वह है लोकसभा जो दार्जिलिंग क्षेत्र से आता है उसके भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्टा को। राजू बिस्टा को आखिरकार टिकट कैसे मिला, इसकी पूरी कहानी आपके सामने कहने को मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले वीर गोरखा वेब टीवी ने ही अपने माध्यम के द्वारा जनता को बताया था, गोरखाली जनता को बताया था कि क्यों भारतीय जनता पार्टी 3 लिस्ट जारी करने के बावजूद किसी भी नेता को, किसी भी उम्मीदवार को दार्जिलिंग लोकसभा से घोषित नहीं कर पाई। वीर गोरखा वेब टीवी ने ही सबसे पहले बताया था कि किसी गोरखाली कैंडिडेट के नाम के ऊपर चिंतन मनन करने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग से किसी उम्मीदवार को अपने लिस्ट में शुमार नहीं कर रही है। आपको ये बता दें कि आखिरकार राजू बिस्टा को टिकट कैसे मिला, ये कहानी भी बड़ी रोचक है। अंदर की बात है कि बहुत दिन पहले ही वीर गोरखा वेब टीवी को पता लगा था कि किसी गोरखाली उम्मीदवार के नाम पर संघ एवं भाजपा ने अपनी सहमति जताई है, लेकिन संघ एवं भाजपा की दिक्कत ये थी कि ऐसा चेहरा जो संघ विचारधारा को मानता हो, संघ से जुड़ा हुआ हो और भारतीय जनता पार्टी माइंडेड हो, ऐसे चेहरे की खोज करने के लिए उन्होंने एक पैनल बनाया जिसमें उन्होंने ये भी आधार रखा कि ऐसा व्यक्ति ही चुनाव लड़े जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जिसकी मैनेजमेंट स्किल हो, जो गोरखा हो और वह सभी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुट और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के भी हिसाब किताब के दायरे में शामिल हो। आखिरकार लंबी जद्दोजहद करने के बाद उन्हें ऐसा चेहरा मिल गया राजू बिस्टा के रूप में। राजू बिस्टा को टिकट दिलाने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का रहा तो दो व्यक्ति का रहा। यहाँ पे नाम आपको एक बार फिर दोहराते हुए बताता हूं कि राजू बिस्टा को टिकट दिलाने में दो व्यक्तियों का अहम योगदान या रोल रहा। वो दो व्यक्ति हैं सूर्या रोशनी लिमिटेड के चेयरमैन जेपी अग्रवाल। जी हाँ, जेपी अग्रवाल लगातार 40 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इतने लंबे समय से संघ से जुड़ने के कारण उनके संघ में अच्छी ताल्लुकात वाले नेताओं की फेरिस्त काफी लंबी है। उन्होंने अपने टर्म्स का फायदा उठाते हुए अपने ही संस्थान में मैनेजिंग डायरेक्टर राजू बिस्टा का नाम आगे बढ़ाया। इसके अलावा एक और नाम है कौस्तुभ करमरकर। कौस्तुभ करमरकर सूर्या फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और कौस्तुभ के बारे में आपको ये जानकारी दे दे कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए भी चिंतन मनन शिविर बैठक सभा इसका पूरा मैनेजमेंट का काम भी बखूबी लंबे समय से करते आए हैं। करमरकर और अग्रवाल के कारण ही राजू बिस्टा देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री से भी कई मर्तबा मुलाकात करने में सफल रहे। यहां तक कि अग्रवाल और करमरकर के ही लुके छिपे योगदान के कारण मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली और वह राज्य में सरकार बनाने में भी सफल रहे। इसके पीछे कहीं ना कहीं अग्रवाल, करमरकर, राजू बिस्टा का कनेक्शन भी रहा। अब बात करते हैं कि राजू बिस्टा के नाम पर आखिर चर्चा कैसे निकली। राजू बिस्टा के बारे में आपको हम बता दें कि वीर गोरखा वेब टीवी को काफ़ी समय पहले ही ये जानकारी लगी थी कि गोरखाली उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो रही है। इसके लिए उन्होंने एक अघोषित पैनल भी बनाया जिसमें उन्होंने तकरीबन 4 नाम सुझाए जनता के सामने, जिसमें उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कौन सा ऐसा व्यक्ति उनके क्राइटेरिया में फिट होगा। उन्होंने लंबी दूर की वार्ताएं की। इन वार्ताओं में आपको एक और बात यहां पर स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा कि राजू बिस्टा को टिकट दिलवाने के पीछे पतंजलि ग्रुप के बालकृष्ण शर्मा जी का भी एक अहम रोल रहा। उन्होंने पूरी बाजी हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हुए प्रेम छेत्री के ऊपर डाला। प्रेम छेत्री ने लगातार नेगोशिएट करते हुए GNLF गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को मनाया और उसके बाद संघ और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की खासी परेशानी नहीं हुई अपनी सहमति देने में।
उसके बाद बात रही एसएस अहलूवालिया को। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एसएस अहलूवालिया के ऊपर सहमत नहीं थी कि वह अब की बार लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग से उम्मीदवार बने। अहलूवालिया को भी स्वयं पता था कि अब की बार दार्जिलिंग में उनके नाम से विरोध के सुर काफी बड़े पैमाने पर फूटने वाले हैं। इसी विरोधाभास से बचने के लिए एसएस अहलूवालिया ने भी अपनी तरफ से स्वीकृति दी और राजू बिस्टा के नाम पर एक आम सहमति बनी। सहमति बनने के बाद अब राजू बिस्टा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गोरखाली जनता, जो पहाड़ में जनता है, उनके मन को कैसे जीते। हालांकि यहां पे एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि राजू बिस्टा गोरखा पुत्र बनाम धरती पुत्र के अनचाहे द्वंद में फंस चुके हैं, या यूं कहें उसमें शामिल हो चुके हैं। ये द्वंद अमर सिंह राय, जो कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार हैं दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले राजू बिस्टा। राजू बिस्टा गोरखा पुत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, और अमर सिंह राय के पास अब एक ही मुद्दा बचता है कि धरती पुत्र। धरती पुत्र बनाम गोरखा पुत्र का जंग यहाँ पे एक बार फिर पहाड़ में देखने को मिलेगा जनता के सामने, और ये लड़ाई बड़ी रोचक होने जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिर क्या कहानी है और आखिर क्या चीज़ रही है कि राजू बिस्टा को आसानी से और बाकी जनता के लिए बड़ा चौंकाने वाला राजू बिस्टा का नाम कैसे शामिल हुआ। हम अपनी रिपोर्ट में देखेंगे कि राजू बिस्टा की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, राजू बिस्टा की राजनीतिक विचारधारा क्या है, और राजू बिस्टा को किस तरह टिकट मिलने में किस किस रोल का अहम योगदान रहा। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आखिरकार राजू को कैसे मिल पाया दार्जिलिंग का लोकसभा टिकट, वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े राष्ट्रीय दिग्गज पहाड़ पर अपनी दावेदारी जता रहे थे। इस बारे में वीर गोरखा वेब टीवी ने जब पड़ताल की तो यह जानकारी मिली कि राजू बिस्टा के लिए सूर्या रोशनी लिमिटेड के चेयरमैन जेपी अग्रवाल से उनके नजदीक होना काफी काम आया। सूर्या फाउंडेशन के ही कौस्तुभ करमरकर ने भी राजू के टिकट में एक महती भूमिका निभाई। अग्रवाल एवं करमरकर दोनों ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, साथ ही भाजपा संगठन में भी दोनों के ही चलते राजू की भी गहरी भेंट बन चुकी है। एक सफल उद्यमी होने के बाद भी गोरखाली हितों की चिंता करने वाले राजू के लिए हालांकि इस बार यह टिकट भले ही भाजपा के चिन्ह पर हो, लेकिन इसको इस बार पार कर पाना उतना आसान नहीं है जितना आसान उनसे पहले सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया एवं जसवंत सिंह को हुआ था। इस बार दार्जिलिंग के पहाड़ वाले वोटर्स बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग गोरखालैंड मुद्दे को समर्थन देने वाले किसी गोरखा पुत्र को ही करने का इरादा बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपने स्टार प्रचारकों की फेरहिस्त पहाड़ में लाने के लिए एक लंबी योजना बनाने के लिए कसरत करनी पड़ेगी, जिससे इस बार लोकसभा चुनाव में राजू की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। राजू के लिए सबसे बड़ा खतरा इस बार पहाड़ में निर्दलीय रूप से लड़ रहे कई गोरखा उम्मीदवारों से भी है, जो गोरखाली वोटर्स में मत विभाजन करवा सकती है, जिसका फायदा तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार अमर सिंह राय को मिल सकता है। उम्मीद तो यह भी लगाई जा रही है कि राजू के लिए दिल्ली से ही संचालित कई गोरखाली संघ संस्थाएं समर्थन देकर एक साझा समर्थन मंच बना सकती है। दार्जिलिंग में स्वयं का घर होने के कारण राजू बिस्टा के लिए दार्जिलिंग कोई पुराना या अनजाना इलाका नहीं है। रही बात उनके राजनीतिक विचारधारा की, तो आपको यह बता दें कि राजू किशोर अवस्था से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा रहा, जिसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी से उनकी ट्यूनिंग अच्छी खासी है और दोनों के बीच खासी नजदीकियां देखी जाती है। कई अवसरों पर उन्हें बीजेपी के आला नेताओं के साथ देखा जाता रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी उनके नाम पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एवं गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा आगे बढ़ाए जाने के बाद उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। माना जा रहा है कि स्वयं पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार की
प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ सकते हैं। दार्जिलिंग से भाजपा के उम्मीदवार राजू बिस्टा के बारे में आपको जानकारी दे दे कि वह बेहद पारिवारिक व्यक्ति है। गोरखाली परिवेश में वह अधिकतर सोशल मीडिया में कई तस्वीरों में नजर आ ही जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम अनीता छेत्री बिस्टा है। अनीता छेत्री बिस्टा भी मणिपुर के रहने वाली है। उनकी पढ़ाई जबलपुर एवं असम के गुवाहाटी में हुई है। राजू बिस्टा की दो पुत्रियां हैं जिन्हें वह अधिकतर समय देने के लिए अपने व्यस्तम समय से भी समय निकाल लेते हैं। राजू बिस्टा के बारे में एक और जानकारी दे दे कि वह परिवार के लिए जितना भी व्यस्त शेड्यूल हो उसमें संशोधन करके एक पूरा वक्त अपने परिवार को देते हैं।